हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेहत से भरपूर हेल्दी रेसिपी, शलगम की सब्जी। शलगम सर्दियों में आसानी से मिल जाती है। आप शलगम की सब्जी एक बार जरूर बना के खाइए, आपको इसकी सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। शलगम की सब्जी बनाने के लिए हमने ये फ्रेश शलगम लिए, जिसे हमने धोकर छीलकर इस तरह से छोटे पीस में काट लिया। दो कटे हुए टमाटर लिए हैं, एक बारीक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। शलगम की सब्जी को कटोरी में डालेंगे। सबसे पहले इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। तेज पत्ते कटे हुए प्याज डालेंगे, हरी मिर्च, प्याज और हरी मिर्च को कुछ देर तेल में भूनेंगे। इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे, पिसा हुआ लहसुन, मेथी देखते इसे भूनेंगे। अदरक और लहसुन को अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे, मसालों को भी तेल में अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। अच्छे से पक गया और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें कटे हुए शलगम डाल देंगे। शलगम को मसाले में मिक्स कर देंगे। शलगम में पानी सूख गया है, अब हम इसे फिर से ढक देंगे और बीच में एक दो बार मिलाकर देखेंगे। Thank you.
शलगम की सब्जी बनकर तैयार है। आप भी इस तरह से बनाइए। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।